जा रहे हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं बैफ 5 का बोगी सेट। बोगी सेट में आप जैसे देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोगी सेट का एक मोटर ट्रैक्शन हमने एक सेट रेडी कर रखा है। एक बोगी सेट में हमारा एक मोटर पार्ट रहेगा, उसी तरीके का हम दूसरा बोगी सेट बनाएंगे। तो बोगी सेट का भी बनाने के बाकी आगे हम प्रोसेस आपको बताएंगे इसके सारी चीज़ें, बट अभी हम केवल आपको दिखाने वाले हैं इसके मोटर का कनेक्शन इससे हम कैसे करते हैं। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि चलता कैसे, तो पहले आप ये देखिए कि काम कैसे करेगा। इसके लिए हम अभी वायर जोड़ेंगे, तो टेम्पोरली केवल हम आपको इसका वर्किंग फंक्शन दिखा रहे हैं कि ये कैसे इस बोगी सेट को पावर देगा और कैसे रन करेगा। तो ये मैं 6 वोल्ट की बैटरी को ले रहा हूँ अभी, ये मोटर फुल इसकी जो पावर और स्पीड है वो 12 वोल्ट पे आएगी। तो हम अभी इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि अभी हमें इसे सोल्डिंग करना था, हम तो कुछ कर नहीं पाए हैं, बट तो ये है जिसके बेसिस पे हमारा मोटर को उसको पावर मिलेगी। तो आप देख रहे हैं ये ऐसे वर्क करेगा। तो अब हम इसको रख के इसी सेट को हम दूसरा सेट बनाते हैं और आपको बताते हैं कैसे। हमारे पास इसके लिए हमें चाहिए एक 12 वोल्ट का 300 RPM या 500 RPM, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 300 RPM सफिशिएंट स्पीड होती है, हम यही लेंगे। और ये मैंने व्हील सेट बनाया हुआ है, मैनुअल व्हील सेट है, 1.25 इंच की पाइप का बना हुआ है। इसकी जो प्रोसेस है मेकिंग, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। और ये हमने 3 mm डायमीटर का मेरे पास एक रॉड है। ये बेसिकली रॉड आपको मिलेगी, ये जो बाइक्स होती हैं, बाइक की जो तीली होती है उसका है ये उसको हमने ख़रीदा था, उसको हमने 12 सेंटीमीटर का काटा है। ये 12 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। साथ ही ये हमारा 14 या 20 टीथ एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँगा। ये हमने एक छोटा सा गियर लिया है, जो हमें 2 गियर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये गियर जो हमने ख़रीदा था, तो ये गियर हमें कुछ इस टाइप का मिला हुआ था, आप देख सकते हैं। लेकिन हमने इसका ये पार्ट कट कर लिया है हेक्सो की मदद से, मिनी हेक्सो से कट जाता है, ये मिनी हेक्सो से हमने इसको कट कर दिया है। और ये हमारा गियर मोटर, हमने 2 सेट लिए थे, उसी बॉक्स में आया था, हम देखने मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये मोटर आप ले सकते हैं, ये डिफरेंस स्पीड में मिलती है, 100 RPM से 100 RPM 500 RPM मिलता है। तो अब हम शुरू करते हैं इसको प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस गियर को हम इसमें सेट करेंगे। तो ये देख रहे हैं बहुत ढीला है। तो इसके लिए हम इसे पेपर का रोल करेंगे, पेपर रोल पे पहले इसको सेट करेंगे। सेट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिप काट लेते हैं, पेपर स्ट्रिप काट लेते हैं। मैंने अंदाजे से ही काट लिया है, इसमें कोई ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस पेपर स्ट्रिप को थोड़ा सा फेविकोल लिया, फेविकोल से थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे स्टिक किया, ताकि स्लिप ना करे हमारा रोल करते वक्त। खूब हल्का सा लगाया, स्लाइटली इस पर हम रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने रोल इस पर कर लिया है, क्योंकि ये रोल पेपर का है तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा, बट उसमें कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर से इसको हम स्लाइटली धीरे धीरे, अब देखिए बहुत ढीला भी है, ये बहुत ढीला है, तो कोई बात नहीं, ढीला है तो कोई इशू नहीं है, हमने अपना सेट कर लिया। इसके बाद इसको हम सुपर ग्लू, जो हमारा फेविक्विक की एक बड़ी बॉटल आती है, उसके थ्रू हम इसको स्टिक करेंगे। स्टिक करते समय ये ध्यान देना है कि ये ग्लू अंदर ना चला जाए मोटर में, तो हम इसको ऐसे डायरेक्शन नहीं करें, नहीं तो अंदर चला जाएगा। इसको हम इसी डायरेक्शन में करते हुए थोड़ा थोड़ा सुपर ग्लू डाल दे रहे हैं इस पर। अब हमने डाल दिया है सुपर ग्लू, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। और हालांकि इसको स्टिक बहुत प्रॉपरली करना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन पावर सोर्स है, जो हमारे इसी से पावर ट्रांसफ़र होके बिल तक जाएगी। तो अगर ये ढीला होगा तो दिक्कत आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये मैंने क्या किया है, इसका जो पेपर का एक्स्ट्रा पार्ट था वो काट दिया, इसमें सुपर ग्लू लगाया, अभी भी इस थोड़ा सा स्टिकी है क्योंकि अभी सूखा नहीं अच्छे से। तो अब ये मेरा पार्ट रेडी हो गया, अब मैं इसको रख देता हूँ। अब हम आते हैं सेकेंडरी पार्ट पर। अब ये मेरी है रॉड,
सेम प्रोसेसर, सेम प्रोसेस, सेम रोल, क्योंकि इस रॉड की भी ये 3 या 4 mm है और ये हमारा नियर बाई 5 to 6 mm है, 5 mm ही होगा आई थिंक। ये हमारा इसकी इंटरनल डायमीटर है 7 mm, तो 7 mm को 3 mm करने के लिए फिर मुझे वही रोल लेना पड़ेगा और फिर वही सेम प्रोसीजर हम रोल से इसको पहले इसमें स्टिक करते हैं किसी एक प्लेस पे और फिर हम आपको बताते हैं। तो अब देख रहे हैं सेम इसी के लिए हमने भी ये स्ट्रिप काटी और इसके लिए हम सेम प्रोसेस जो हमने उसमें किया था वही पेपर का रोल बना के इसको इसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रोल कर रहे हैं ताकि इसको भी हम फिट कर सकें, क्योंकि इसके लिए कोई हमारे पास स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है तो हम इसको अंदाजे से ही तो ये हमारा रोल इतना हो चुका है आई थिंक, क्योंकि ये हमें सारा अंदाजे से ही करना है, इसका हमारे पास कोई स्पेसिफिक पैरामीटर मैंने नहीं लिया है। और हम देखते हैं कि हमारा रोल अगर हो जाता है इसमें स्टिक करने पर, यस, तो आई थिंक ये हो गया है। अब हम इसको सेम जो हमने प्रोसेस उसमें किया था इसको हम निकाल करके ग्लू से करके हमने एक रोल बना लिया है और वो हम इसके अंदर फिट करेंगे। तो ये हमारा एक प्रॉपर फिट हो गया है जो कि इसमें सेट हो सकता है, जैसे कुछ प्लास्टिक के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। अब ये हमारा प्रोसेस ओके, अब हम ट्राई करते हैं इसके अंदर इसको करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से ये देखिए ये जरा सा भी हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे इसके लिए रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथली इसके ऊपर सेट है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इस व्हील को इसके साथ अटैच करना। तो अटैच करने के लिए हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि ये इसके साथ ऐसे अटैच रहे और ये इसको घुमाएं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये एक रिफ़िल की पाइप होती है, देखिए ये एक मोटी वाली रिफ़िल होती है, इसको हम और कम कर दिखाते हैं। ये एक रिफ़िल है, ये भी मोटी वाली रिफ़िल है, ये तो बिल्कुल पतली वाली होती नॉर्मल। तो ये थर्ड लेवल की जो रिफ़िल होती है मोटी, वो रिफ़िल का एक ब्लैंक रिफ़िल हमें चाहिए होता है। तो ये हमने पार्ट काट लिया है, इसका हम मेज़रमेंट इसलिए ये मेज़रमेंट आपको हम बताते हैं। इसका मेज़रमेंट अगर आप देखेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमारा जो ट्रैक की दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज 6 इंटरनल गैप जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो आप अगर चाहें तो 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर कुछ भी बना सकते हैं, तो इसलिए इस गैप का ये जो रिफिल है आपको उसी अकॉर्डिंग काटनी पड़ेगी। तो अब इसको हमें स्टिक करना है इसमें कहीं किसी भी प्लेस को लेकर के उस पर हम इसको स्टिक करेंगे। अब स्टिक करने के लिए आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बड़ा खाली स्पेस है, तो हम अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक यहाँ पे घिस करके उसको स्लॉट बना लेंगे ताकि ये इसमें से अच्छे से ये इसमें स्टिक हो जाए। तो मैंने क्या किया है, इसको देखिए यहाँ पे सैंड पेपर से थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जो एजेस हैं ये बड़ी खुरदरी है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर ले रहा हूँ पहले इस सैंड पेपर से घिस करके। और ये जो गैप है इसके इसके बीच में जो गैप है उसमें एक 3 mm का ये जो हमारा सनबोर्ड है उसको हम लगा रहे हैं ताकि इसका और इसका गैप जो है मेंटेन के हो सके, ताकि ये हमारी जो पाइप है वो अच्छे से यहाँ पे स्टिक हो सके। तो उसके लिए हम ये प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सनबोर्ड को उसमें स्टिक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके लेवल में ये आ तो गया है, पर थोड़ा सा गैप मुझे माइनर गैप नज़र आ रहा है, अगर इसको हम स्केल में देखेंगे तो माइनर सा गैप नज़र आ रहा है बीच में। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि हमने एक पेपर की स्टिक भी हम इस पर चिपका सकते हैं, तो सेम यही पतली सी स्टिक भी हम इस पर चिपका देते हैं ताकि इसका गैप और फिल हो जाए। तो सेम प्रोसेस हम करेंगे, इस पर मैं थोड़ा सा ग्लू लगाता हूँ और इस पेपर को मैं इस पर स्टिक कर देता हूँ। तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसका सरफेस मच बेटर है कम्पेयर टू प्रीवियस वाले। अब हम इसको इस पर स्टिक करने की कोशिश करेंगे कि हम इस पर स्टिक कर देते हैं। ओके, तो हम ऐसे ही इसको स्टिक करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टिक कर देते हैं इसको हम। बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए इसका और इसके बीच से, आप जैसे बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक होना चाहिए ये। अब इसको हम थोड़ा और मजबूती दे देते हैं, मजबूती के लिए मैं
इस स्ट्रिप को हमें इसके बगल से भी लगा सकते हैं ताकि ये इधर उधर, क्योंकि इस पर इसका सरफेस बहुत कम टच है तो इस पर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा तो मे बी ये कभी प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम इसको एक स्ट्रिप यहाँ और एक स्ट्रिप यहाँ पे इसको ऐसे चिपकाएंगे। तो पहले हम ये स्ट्रिप इस पर चिपका लेते हैं ऐसे। तो एक स्ट्रिप मैंने इसको ऐसे चिपका लिया। तो ये आप देख रहे हैं इस सनबोर्ड की खूब पतली पतली स्ट्रिप मैंने इसके दोनों साइड से चिपका ली ताकि इसको अच्छा सा सपोर्ट मिले। ये मोटर जब इस पर पहिए पे रन हो तो इस पर फोर्स पड़ने पर ही निकले। तो अब ये जो मेरा सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने इसमें देखिए कितना फ्रीली घूम रहा है, ये मैंने इसमें लगा दिया। देखिए तो ये हमारा चलेगा ऐसे। ओके, अब कुछ नहीं, अब बड़ा सिंपल सा काम मेरे पास बचा है कि अब इस व्हील्स को जो है हमें स्टिक कर देना है ऐसे। इसका थोड़ा सा गैप हम बिल्कुल मेंटेन कर लेते हैं। सेम ये व्हील आप देख रहे होंगे, ये पूरा सेट आपके सामने, ये हमारा एक व्हील सेट, इसके लिए सेकेंडरी बोगी का व्हील सेट हमारा रेडी हो गया। अब ये जो व्हील सेट है, ये जो हमारा सिस्टम है, इसका ये क्या है, ये अभी बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी हम आपको साथ वीडियो जो लेके आएंगे उसमें ये पूरा कलर्ड होगा और इसकी प्रॉपर इसी हमने कलरिंग की कैसे, इवन मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि मैं इस पर कैसे कैसे कलर करता हूँ, क्या करता हूँ। और उसके बाद आपको हम इसका नेक्स्ट वीडियो, इसको फाइनल सेटअप के बाद जब हम इसकी बोगी फ्रेम और बोगी बेस, बोगी स्ट्रक्चर जब इसका हम सारा करेंगे तब हम आपको फाइनल इसके बारे में दिखाएंगे। तो आप लोग इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे पास जो वीडियो, आपने हमारी जो व्हील बनाने की वीडियो है वो आगे देखी ही होगी, हमारे सारी वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखी है जिसमें हमने व्हील बनाया हुआ है। तो आप उसको देखिए और उसके बाद आप एक बहुत ही बढ़िया सा मॉडल आप बना सकते हैं अपने घर में जो रियल वर्किंग है। मैं जो मॉडल बनाऊंगा वो सारे रियल टेक्नोलॉजी उसमें सारी यूज़ होंगी, जैसे कि शॉपर हो गया, मोटर हो गया, पेंटोग्राफ हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे कि उसमें हम कैसे कैसे जो रियल हमारी ब्रेन होती है उसी का एक सिमिलर स्मॉल वर्जन हम कैसे यूज़ करेंगे, जो कि घर के सामान है, घरेलू सामान है, इसमें कोई बाहरी कोई ज़्यादा टेक्निकल सामान नहीं, तो उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।